वैसलीन वगैरह लाने जी लाने कोई डिटर्जेंट वगैरह कोई क्रीम ऐसी कोई चीज लाना कुछ नहीं खाली वैसलीन है वैसलीन सालो जग जोर ना जिस तरह से आज स्टोरी हम कैरी कर रहे हैं कि यहाँ पे देखा गया जो अजोरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर यहाँ पे प्राइमरी हेल्थ सेंटर है तो इसकी जो बिल्डिंग थी बड़ी खस्ता हालत थी पानी अंदर ज़्यादा होता था तो पेशेंट के लिए बड़ी प्रॉब्लम होती थी क्या कहना चाहेंगे देखिए इसमें जहाँ तक आपने सवाल पूछा अर्बन हेल्थ यूनिट के लिए तो यहाँ का जो हमारी पुरानी बिल्डिंग थी क्योंकि इसके अंदर काफ़ी टाइम से जो है इसका काम नहीं हुआ क्योंकि काफ़ी जो है इसका छत जो ऊपर का है उसकी बड़ी खस्ता हालत है जिसकी वजह से अगर वहाँ पे पेशेंट देखे भी जाते थे पीछे तो वहाँ पे इतना था कि ऊपर से जो है बारिश के मौसम में पूरा पानी जो है अंदर वो उसमें डिस्पेंसरी में आता था जिस वजह से हमें काफ़ी दिक्कत होने की वजह से हमारे जो इनसे पहले DDC रजौरी थे डॉक्टर शाहिद इकबाल जी उनके टाइम में जो है हमें जो है ये रूम जो है म्यूनसिपल्टी की तरफ से यहाँ पर अलाट किए गए जिसमें हमारे पास दो रूम हैं एक इम्यूनाइजेशन सेक्शन के लिए और एक हमारा OPD के लिए लेकिन उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है क्योंकि अगर पेशेंट भी है एक ही रूम के अंदर बैठना पेशेंट देखना और उसके बावजूद यहाँ पे एक हमने लैब का भी एक कॉर्नर शुरू किया है क्योंकि यहाँ पे हमें जगह की बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है और दूसरा ये है कि म्यूनसिपल्टी के अंदर अगर यहाँ पे जैसे कोई शादी या फंक्शन होता है पिछले दिनों में फंक्शन रहा तो यहाँ पे पेशेंट को चेक करने के लिए हमें काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा जैसे यहाँ बहुत नाइज या वो रहता है तो उसमें हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना सर जिस तरह से देखा गया मैक्सिमम यहाँ पे शादी वगैरह होती हैं तो जब DJ वगैरह लगते हैं आपको प्रॉब्लम नहीं होती क्रिएट बहुत ज़्यादा क्योंकि देखिए डिस्पेंसरी जो है वो डिस्पेंसरी जो है उसके लिए एक बड़ा ही अच्छा और साइलेंट और बहुत ही खामोशी वाली जगह चाहिए क्योंकि अगर यहाँ जैसे गाना बजाना और उस तरीके से हमें जो है कई बार पेशेंट का अगर BP चेक करना है तो उसमें भी बड़ी दिक्कत आती है क्योंकि बहुत एक साइलेंट माहौल चाहिए तो उसके लिए बड़ी दिक्कत तो है यहाँ पे सर अगर मेडिसिन की बात करें तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा OPD होती है तो क्या कहना चाहेंगे नहीं जहाँ तक आपने मेडिसिन के बारे में हमें कहा मेडिसिन जो है ओवरऑल जो है एडुकेट हमारे पास उसकी सप्लाई है जैसे रूटीन वाइज हमें अगर कोई होती है तो उसको हम हायर अथॉरिटी तक टेकअप करके तो हम वो आगे करते हैं बातचीत तो अभी तक जो हमारे पास स्टॉक है दवाई के मसले में वो हमारे पास ठीक है और जैसे ब्लॉक मंजाकोट से भी और GMC लेवल से भी हमें जो है सप्लाई हमें मिल रही है दोनों तरफ से और कोई प्रॉब्लम नहीं बाकी ओवरऑल ठीक है सिर्फ एक ही जो है मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश करना चाहूँगा आपके मीडिया के माध्यम से क्योंकि हमें जो है जल्द से जल्द कोई यहाँ पे अर्बन हेल्थ सेंटर में कोई अच्छी सी जगह या तो बाहर कोई हमें ऐसी जगह दी जाए ताकि हम अगर ताकि पेशेंट बहुत ज़्यादा है जगह उतनी हमारे पास है नहीं क्योंकि उसी में बड़े ही कम उस सोर्स के अंदर हम ये काम कर रहे हैं यहाँ पे पेशेंट को देखना ये है वो क्योंकि जगह की बहुत ज़्यादा तंगी है तो उसके लिए मेरी ये गुजारिश है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कि इस पर जल्द से जल्द कुछ नज़रसानी करें ताकि हमें अच्छी जगह अवेलेबल हो सके देखा गया कि जहाँ पे जो है यहाँ पे लेबॉरेटरी का सिस्टम जो है यहाँ पे स्टार्ट किया गया है इसमें क्या क्या टेस्ट आप करते हैं यहाँ सर जैसा कि अभी रूटीन में हम HB BT CT ब्लड ग्रुप यूरिन फॉर एल्बुमिन यूरिन फॉर शुगर और कोई इमरजेंसी पेशेंट जैसे कि कोई बुजुर्ग आ जाता है उसकी शुगर हम थ्रू ग्लूकोमीटर यहीं चेक कर देते हैं और यहीं तुरंत रिपोर्ट देते हैं और नॉर्मल टेस्ट कर रहे हैं अभी जो रूटीन के मुताबिक ये लिस्ट लगी है प्रेगनेंसी टेस्ट प्रेगनेंट वुमेन के लिए भी फैसिलिटी है जो कि ANC डे होता है 9 को हम वो उनके टेस्ट यहाँ पे फ्री करते हैं